This session is being recorded, and this is Haseeb and in today's session we are studying past simple with a structure. Agar aapko yaad ho, guzishta session ke andar humne ek definition ko study kiya tha. Maazi mein kuch aap kiya karte the aur wahan ghot aakar kahan phas gayi thi, main bata deta hu. Humne is definition ko study kiya tha. We can also use the past simple to talk about past repeated action. Maazi ye koi aise kaam jo hum kiya karte the lekin ab nahi karte, hum bade ho gaye, hamari aadatein badal gayi hai, wo mohol nahi raha, wo dostein nahi rahi, ya wo dost nahi rahi, isliye ab wo kaam nahi hota. Lekin ek shart laga di gayi thi iske andar, aur shart kya thi ki bhai aap frequency time words ka istemal karenge. तो फिर एक बच्चा सवाल करता है कि अच्छा ठीक है, अगर सवाल ये हो, क्या हो, मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था, क्या करूं मैं इन लोगों का, मैं क्रिकेट खेला करता था. I always played cricket. मैं हमेशा क्रिकेट खेला करता था. आई ऑलवेज प्लेड क्रिकेट. आई ऑलवेज प्लेड क्रिकेट. वो हमेशा देर से आया करती थी. वो हमेशा देर से आया करती थी. शी ऑलवेज केम लेट. शी ऑलवेज केम लेट. वो हमेशा देर से आया करती थी. शी ऑलवेज केम लेट. आ गई बात समझ आज. लेकिन फिर एक सवाल यहाँ पर उठा फंसा, मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था. अब इसमें कोई फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड नहीं आ रहा, तो आप बताइए हम क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें. तो फिर हमारे जिंदगी में एक स्ट्रक्चर आ गया और उस स्ट्रक्चर का नाम है यूज टू. कोई ऐसे काम जो आप लोग किया करते थे लेकिन अब नहीं करते. माशाल्लाह अब आप बड़ी हो गई हैं, अब वो आदत ही रही, वो शौक नहीं रहा, वो इंटरेस्ट नहीं रहा, वो वक्त नहीं रहा, वो जगह नहीं रही, वो हालात नहीं रहे. ठीक है ना. आई यूज टू वेयर रॉम्पर्स. अब आप माशाल्लाह बड़ी हो गई है. आई यूज टू स्मोक. मैं पिया करता था. ठीक है ना. जिसके लिए पीता था अब वो ही ना रहा, तो पीने का वो है मजा ही नहीं है. ठीक है. आई यूज टू स्मोक. वी यूज टू लिव नियर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस. हम नानी के घर के पास रहा करते थे. अब नानी जो है वो कहीं और रहती है नाना के साथ. ठीक है ना. सो दैट्स व्हाई वी हैव चेंज आवर हाउस. वी यूज टू गो देयर एवरी इवनिंग. हम वहां पर हर शाम को जाया करते थे. शी यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वो सुबह सवेरे उठा करती थी. सोचिए सोचिए वो कौन से काम थे जो आप लोग किया करते थे, अल्लाह माफ करे, और कोई नहीं जानता था. आज कन्फेस कर लीजिए, हैंड रेस कीजिएगा और मुझे बताएंगे सर मैं ये काम किया करती थी. अब आप लोग अपना डेली रूटीन जो है वो पास सिंपल रिपीटेड एक्शन में लिखेंगे. मैं इतने बजे उठा करती थी. अपने स्कूल टाइम का डेली रूटीन आपको लिखना है. आप अपने स्कूल लाइफ में कैसे गुजारा करती थी, क्या आपका रूटीन हुआ करता था, स्कूल लाइफ डेली रूटीन पास में लिखेंगे. आपको यूज टू की मदद लेनी पड़ेगी. आई यूज टू. मैं पास सिंपल थर्ड डेफिनेशन भी आप इस्तेमाल कर सकती है. आई ऑलवेज गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं हमेशा सुबह जल्दी उठा करती थी. आई यूज टू गेट रेडी फॉर माई स्कूल. आई यूज टू पुट ड्रेस अप माई सेल्फ. समटाइम्स माई मॉम यूज टू ड्रेस मी अप. यस, रेज योर हैंड एंड टेल मी आप लोग माजी में क्या किया करते थे ईमानदारी के साथ. यस, आई यूज टू डू माय होमवर्क इन टाइम. पहले नाम बताएं, हैंड रेस कीजिए, आपका खूबसूरत सा नाम लिया जाएगा, लोग आपको सुनेंगे. अच्छा, यस आयशा. ओके सर, एक बात बता दें, यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी जी. ऊपर लिखा है बड़ा बड़ा, यूज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ओके सर. BFP, BFP का मतलब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यस ओके सर. सना इखलास सर मैं बता तो दूं. अच्छा जी. आई यूज टू गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग. आई यूज टू प्ले टेनिस. आई यूज टू गो टू स्कूल. आई यूज टू गो टू पार्क. I used to eat junk food. That's it. Okay, that's very good. Yes, next. Sir, may I? Yes, Sana. Okay. I used to get up late in the morning, and I used to get hurried for the school, and I used to arrive at school in the last moment, and I used to stand in the assembly for about 20 minutes. Then we used to go to classrooms. After that, we used to come back to home around 1 p.m. Then we usually, after having lunch, we usually go to outside in order to play with my friends. आपने usually लगाया था, we usually went to, हम आमतौर से जाया करते थे. We usually went to. Okay. We usually went outside in the ground to play with my friends. I used to climb up the trees to pick jamun, whatever it is. And then I used to come back home around Maghrib time. And then we used to watch TV. And usually we slept at 9 p.m. That's all. Yes. That's all. ठीक है. That's very good. माजी में कोई काम आप लोग किया करते थे, बहुत सारे काम होंगे जो आप लोग किया करते थे. अब कोई ऐसा काम भी इसमें ऐड कीजिएगा जो आप लोग नहीं किया करते थे. Yes. सैयदा, ब्लोच, हैदर, नयाब खान. Yes, sir. Sir, I used to get up early in the morning. I used to dress up myself for school. I used to play hide and seek. I used to play cricket. And that's it, sir. That's very good. अच्छा चले थोड़ा सा आगे चलते फिर मैं बात करता हूँ अभी बहुत सारी बातें. अच्छा अब ये वो काम है जो आप लोग किया करते थे, ठीक है ना. अच्छा कुछ ऐसे काम भी हैं जो आप लोग नहीं किया करते थे, हो सकता है कि आप करते हो, जैसे आई डिड नॉट यूज टू स्टडी. अच्छा इसका जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो जहन में तो यही बात आती है कि यूज टू का नेगेटिव डिड नॉट से बनेगा, यूज लग जाएगा, डी हट जाएगा. लेकिन अगर आप गौर से देखें अपनी गुनाहगार आंखों से तो आपको डिड नॉट के बाद यूज के अंदर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है. सर ये क्या चीज है, मतलब जनरली तो हम डिड के बाद यूज लिखते हैं, डी का इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पर आपने काहे डी इस्तेमाल कर दिया. तो याद रखें यूज टू इज अ स्ट्रक्चर. दो ग्रामेरियंस में आपस में जंग चल रही थी, एक कहता है कि डिड नॉट यूज होगा, डी नहीं लगेगा, एक कहता है डी लगेगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर है. तो फिर उनके अब्बू आते हैं, सुलह कराते हैं, कहते हैं बेटा मेरी किताब पढ़ लो जाकर. दोनों बातें लिखी हुई है कि अगर आप चाहे तो डिड नॉट के बाद यूएसई लिखें, चाहे तो यूएसईडी लिखें. यूएसईडी लिखा तो इसकी एक्सप्लेनेशन वो ये देता है इट इज अ स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर की डेफिनेशन ये देता है स्ट्रक्चर इज अ फिक्स वर्ड ऑर्डर. स्ट्रक्चर इज अ फिक्स वर्ड ऑर्डर विच यू कैन नॉट चेंज, यू कैन नॉट मॉडिफाई. तो उस डेफिनेशन के हिसाब से यूज टू को आप एज इट इज रहने दीजिए, उसको मत छेड़िए, आप डिड नॉट लगा दीजिए, ठीक है. है कोई ऐसा काम जो आप लोग नहीं किया करते थे? गोरी का आई डिड नॉट यूज टू. यस प्लीज. आई डिड नॉट यूज टू. आई डिड नॉट यूज टू रीड. I did not use to listen music. I did not use to visit market. I didn't use to get up late. Very good. I did not use to get up late. I did not use to. 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 Okay. उसके बाद अगर question की तरफ जाएंगे, did you use to take breakfast? क्या आप ऐसा किया करते थे? अच्छा मैं आई. जी बेटा. I didn't use to abuse my friends. I didn't use to get up late. I didn't used to missed my lectures. I didn't used to do my homework in time. अब एक बड़ी इसमें गलती आएगी आप लोगों से. Used to के बाद अगर मैं be लगाने के लिए कहूँ कि आप कैसी हुआ करती है, मैं अपनी बात करूँ, I used to be weak in all subjects. मैं हर तमाम सब्जेक्ट्स में कमजोर हुआ करता था. I used to be good at drawing. I used to be slim. Smart तो मैं भी हूँ. I used to be slim. I used to be poor. Poor तो खैर मैं कभी नहीं रहा. But I used to be in need of money all the time. खैर वो तो अभी भी है मुझे. And it will remain always. Yes, I used to be. I used to be a physical teacher. I used to be a teacher in an academy. I used to be a principal of a private college. I used to be a language instructor. I used to be unmarried. I used to be... बाकी आप लोग बताएंगे one by one. Yes. I used to be... exercise. Sir, yes. Sir, we have to put adjectives in that. I used to be. I used to be sensitive. I used to be sensitive. I used to be naughty child. I used to be naughty. I used to be talkative. Very good. I used to be talkative. Sir, हम भी क्यों लगा रहे हैं समझ नहीं आया. आप याद करें अपनी बचपन की बातें. आपने बी और हैव पढ़ा था स्टेट वर्ब. यस सर. बी में आपने क्या पढ़ा था? आई यूज्ड टू बी अ टीचर. मैं टीचर हुआ करती थी. अगर तो आप टीचर हैं तो आप बोलेंगे आई एम अ टीचर. मैं टीचर थी. आई वाज अ टीचर. मैं टीचर हुआ करती थी. ओके सर. आई यूज्ड टू बी अ टीचर. ठीक है. कोई ऐसी चीज जो आपके पास हुआ करती थी क्या बोलेंगे? आई यूज्ड टू बी अ डॉग या आई यूज्ड टू हैव अ डॉग. I used to be a... बी और हैव में फर्क होता है. क्या कह रही हैं आप? आई यूज्ड टू बी अ डॉग. आई यूज्ड टू हैव अ डॉग. आई यूज्ड टू हैव अ डॉग. अगर बी बोला तो गलत है सर. हुआ करता था तो फिर आई यूज्ड टू बी अ डॉग. I used to be, आप अपने आप को माफ करें ऐसा कह रही है, अच्छी बात नहीं है. I used to be a dog. टीचर लगा लें आप. I used to be a teacher. मैं टीचर हुआ करती थी. डॉग तो नहीं हो सकता था. हाँ, I used to have a dog. अब आप देखिए अंग्रेजी कमजोर है. आपने किसी के सामने बोल दिया well when I was a child I used to be a dog. I used to be a cat. अब वो कहेगा मतलब लग तो नहीं रही, मतलब बिल्ली से इंसान बन गई. I used to have a cat. मेरे पास बिल्ली हुआ करती थी. मेरे पास कुत्ता हुआ करता था. ठीक है ना. चले. और कोई ऐसी चीज जो आप लोगों के पास बचपन में हुआ करती थी आपको आज तक याद हो? I used to have. आप अपने बाल देखें आप लोग पहले कैसे हुआ करते थे, आप कैसे हैं. I used to have. I used to have healthy hair. बताइए. Yes, one by one. Cosmetic toys. I used to have cosmetic toys. Yes. Makeup set. Makeup set. Yes. I used to have shiny hair. I used to have glowing skin. Oh. I used to have glowing skin. I used to have. Yes. I used to have. ये स्टेट है, ये गलती करती है. ठीक है ना. ये इसमें बहुत मसले आते हैं. I used to have. मेरे पास पहले बहुत I used to have. पास्ट के लिए यूज कर रहे हैं हम. पास्ट ही इस्तेमाल कर रहे हैं. I used to have और I used to be. ये past के बोलेंगे used to have, past की बात हो रही है, used to के बाद तो first form भी आती है ना। I used to have a car, मेरे पास गाड़ी हुआ करती थी। अब ये थोड़ी नहीं कहूँगा I used to had a car, I used to have a car, I had a car, मेरे पास गाड़ी थी। I used to have a car, मेरे पास गाड़ी हुआ करती थी। क्या कहते हैं सर जी? I used to be प्योर सेंटेंस बता दे, be का यूज क्लियर नहीं है। आवाज आपकी भी आई सर, I used to be का यूज क्लियर नहीं हो रहा। एक इसके सेंटेंसेस बनाओ, I am a cricketer, मैं क्रिकेटर हूँ। अगर मैं कहूँ I used to be a cricketer, यस सर, मैं क्रिकेटर हुआ करता था, तो मैं क्या बोलूंगा? आई यूज्ड टू बी अ क्रिकेटर। मैं अंग्रेजी में अच्छा हुआ करता था, आई यूज्ड टू बी गुड एट इंग्लिश। मैं टीचर हुआ करता था, आई यूज्ड टू बी अ टीचर। मैं लाहौर में हुआ करती थी, क्या बनेगा सेंटेंस? मैं लाहौर में हुआ करती थी, आई यूज्ड टू लिव इन लाहौर, आई यूज्ड टू लिव इन लाहौर। मैं लाहौर में रहा करती थी, मैं लाहौर में रहा करती थी। बताइए, मैं लाहौर में रहा करती थी। I used to live in Lahore, और मैं लाहौर में हुआ करती थी, I used to be in Lahore। आ गई बात समझ? अच्छा, I used to like her, मैं उसको पसंद किया करता था, मैं उसको पसंद किया करता था। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस सेंटेंस को बना दीजिए प्रेजेंट में, तो आप कैसे बनाएंगे? I used to be, I like her। वेरी गुड, लिखा हुआ स्क्रीन पे। I used to like her, मैं उसको पसंद किया करता था। और अगर मैं कहूं मैं उसको पसंद करता हूं, मैं उसको पसंद करता हूँ, आई लाइक हर। आगे बात समझ, आसान सी बात है, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखिए अब आ रहा है इसका जुड़वा भाई। यूज्ड टू सिर्फ पास्ट की बात कर रहे हैं। अब आपके पास आ रहा है बी यूज्ड टू प्लस वर्ब आईएनजी, यानी कि आप किसी काम को करने के आदी है। यहाँ पर बी आपका मेन वर्ब है और स्टेट वर्ब है। यहाँ पर यूज जो है, यूज टू, ये आपका एडजेक्टिव है, यानी आदी। आदी यूज टू प्लस वर्ब आईएनजी, आपका वर्ब आईएनजी यहाँ पर जेरेंड है, नाउन की हैसियत से आ रहे हैं, और टू जो है वो आपका प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। बी आपका स्टेट वर्ब में, यूज आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद नाउन यानी वर्ब आईएनजी। अब आप देखिए वी यूज दिस स्ट्रक्चर बी यूज्ड टू से दैट यू हैव डन समथिंग अ लॉट एंड डूइंग दैट थिंग इज नो मोर अ प्रॉब्लम फॉर यू, यानी कि आपने माजी में या किसी भी टाइम पर आपने कुछ किया है, आपने कोई काम इतना किया है कि वो काम करना अब आपके लिए मसला नहीं रहा है। जब भी आप लोग कहते हैं कि मैं इस चीज की आदी हूँ, जैसे आपने रोटी इतनी बनाई है, इतनी बनाई है, अब आप कहती है मैं रोटी बनाने की तो आदी हूँ, खड़े खड़े पेड़े हाथ में रखती हूँ पेड़ा बन जाता है, मतलब 4 उंगलियां घुमाई पेड़ा बन गया। ठीक है ना, जो लोग आदी है वो बना सकते हैं। आई एम यूज्ड टू मेकिंग चपातीज, ठीक है। आई एम यूज्ड टू टीचिंग ऑनलाइन, ये मेरा हैबिचुअल एक्शन है ना, मैं ऑनलाइन पढ़ाने का आदी हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ाने का आदी हूँ। लेकिन और मैं देखिए अगर ये कहूँ आई यूज्ड टू टीच फिजिकली, क्या मतलब? मैं फिजिकली पढ़ाया करता था, आई यूज्ड टू टीच फिजिकली। मैं खाना बनाने की आदी हूँ, आई एम यूज्ड टू कुकिंग, मैं नई नई चीजें बनाने की आदी हूँ, आई एम यूज्ड टू कुकिंग न्यू थिंग्स, I'm used to eating new dishes। कि आप लोग हैं किसी काम को करने के आदी, वन बाय वन बताइए सर। I am used to प्लस वर्ब जी, I am used to। सर ये प्रेजेंट में होगा ये एजएमआर लग रहा है ना, एजएमआर लग रहा है, ये एजएमआर यूज्ड टू, मैं आदी हूं, आई एम यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू, बताइए किस चीज के आदी आप लोग? इंडिजिनस फ्यूड, आई एम यूज्ड टू इंडिजिनस फ्यूड। बेटा समझ नहीं आई आपकी बात। आई एम यूज्ड टू इंडिजिनस फ्यूड सर, वो जो देसी खाना। अच्छा, आई एम यूज्ड टू हैव देसी फूड। यस, आई एम यूज्ड टू ईटिंग भी लगा सकते हैं, आई एम यूज्ड टू के बाद नाउन भी आ सकता है, जैसे लिखा हुआ है आई एम यूज्ड टू हॉट वेदर, आई एम यूज्ड टू हॉट वेदर, मैं गर्म मौसम का आदी हूं। आई एम यूज्ड टू, I am used to. I am used to bearing heavy weights. I am used to bearing heavy weights. Sir, I am used to cooking. Okay. Sir, good. I am used to. Next, I am used to. I am used to. I am used to. Sir, I am used to eating junk food. I'm used to eating dry fruits. I'm used to take lecture. I'm used to taking lecture on Zoom. Yeah. I'm used to taking lectures on Zoom. Next. I am used to laundry. I'm used to laundry. I'm used to watching TV. I'm used to working. I'm used to working. मैं काम करने की आदी हूँ. I'm used to working. I'm used to Sir Haseeb's lecture. मैं Sir Haseeb के lecture की आदी हूँ. आप याद रखें, आप किसी भी चीज के used to हो सकते हैं. I'm used to something. I'm used to Sir Haseeb lecture. It's something. I'm used to spicy food. It's something. आप used to something हो सकता है. I'm used to. I am used to cook biryani. I'm used to कोयला biryani. I used to talk with my friends. Okay, चले. अच्छा, अब एज़एमआर को अगर हम वॉजवर में ले जाए, I was used to taking physical classes. ठीक है ना, मैं किसी चीज का आदी था, बराबर है किसके? देखो, I used to smoke, मैं सिगरेट पिया करता था, यानी कि अब नहीं पीता. I was used to smoking, मैं सिगरेट पीने का आदी था, यानी कि अब नहीं हूँ. I was used to smoking, स्मोकिंग, अब मैं सिगरेट पीने का आदी नहीं हूँ. आई यूज्ड टू स्मोक, ये इसमें भी दोनों का मतलब तो सेम हो गया, बिल्कुल सेम हो गया. एक में किया करता था, अब नहीं करता, एक में आदी था, अब नहीं करता. आई वॉज यूज्ड टू, वी वर यूज्ड टू गोइंग आउट, हम लोग बाहर जाने के आदी थे. I was used to singing songs. I was used to going to gym. मैं जिम जाने का आदी था. I was used to. Next, और किसी चीज के आप लोग आदी थे? I was used to nail biting. ये भी अच्छा है. I was used to दोनों का मतलब सेम ही होगा. I was used to का मतलब लगाएंगे दोबारा, जो हम नहीं करते, जैसे कि I am not used to. I was not used to. मैं आदी नहीं हूँ. I'm not used to. कोई आपको गालियां दे रहा है खड़ा हुआ, आपने कहा आई एम नॉट यूज्ड टू इट, क्या मतलब? मैं इसकी आदी नहीं हूँ। I'm not used to it. बट मैं कहूँ ना तो सुन, I'm not used to it. I'm not. Sir, I was used to bad behaviors. I was used to. I was used to bad behavior. मैं लोगों के बुरे रवैये की आदी थी. I was used to bad behavior. Am I audible to all of you? आवाज आ रही है मेरी? Yes sir. Yes sir. अच्छा, उसके बाद चलिए आगे. आप किसी चीज के लिए आप आदी हो जाएंगे. Inshallah, you will get used to speaking English fluently. आप रवानी के साथ अंग्रेजी बोलने के आदी हो जाएंगे. Inshallah, you will get used to speaking English fluently. कोई ऐसा काम है जिसको आपको लगता है कि आप लोग आदी हो जाएंगे ये काम करने में? Sir, I am getting. I will get. Future. I will get. अब B खत्म हो गया. जब आप प्रेजेंट और पास्ट में तो B रहता है, जब आर वाज वर, लेकिन जब आप इसको फ्यूचर में लेके जाएंगे तो फिर B की जगह पर कौन आ जाएगा? Will. Get आ जाएगा. I will get used to. Yes sir. बनाइए. Sir, I will get used to speaking English. I will get used to speaking English. Sir, I will used to cooking in lockdown. I will get used to. Sir, get क्यों लगा रहे हैं इधर? तो दिल जा रही है. अरे फॉर्मूले का है ना, पहले अभी बी लगा रहे थे, बी की जगह अब गेट आ गया. I will be used to नहीं हो सकता, I will get used to होता है. सर जो टेस्ट हुए हैं उनमें मेरी यही वाली गलतियां हुई थी, विल गेट वाली. सही. अल्लाह पाक आपको नेक हिदायत दे. आमीन. I will get used to. किसी चीज के आप लोग आदी हो रहे हो तो वो भी बता दें. सर, आई एम गेटिंग यूज्ड टू. मैं आदी होती जा रही हूँ. Sir, I'm getting used to of study because I left studies, but now I'm getting used to. के बाद verb ing लगाइए. I'm getting used to studying. मैं पढ़ने की आदी. I'm getting used to speaking. Sir, get के साथ भी ing होगा और फिर तो बेटा base के साथ भी ing ना कल इस्तेमाल करो. Present progressive में बना रही हो तो getting ये सवाल तो पूछा. Okay sir. Sir, I am getting used to dishwashing. माशाल्लाह. और पक्की काम आएगा तुम्हारे. I am getting used to dishwashing. You better get used to everything. यही है आगे आने वाली जिंदगी का मकसद. झाड़ू पोछा आटी चूल्हा है. चले. Sir? Yes. You know that if you improve your skills, you can save yourself from all these works in upcoming life. If you are still unmarried, if you want to save yourself from all these fatigues, jharu, pocha, bartan, khana, pina, like you can simply hire a good maid of ₹20,000. If you are earning 2 lakhs monthly, so you can afford a maid, no problem. Why are you putting your life in trouble? Improve your skills. Start working, learning from your home. I advise you to study e-commerce. I advise you to explore in Amazon when you have improved your English. And if you have good investments, for Amazon, you have to invest. For e-commerce, you may not have to invest a lot. learn e-commerce, right? So you must have, if you have these skills, you will be earning millions, billions of dollars. Listen to the success stories of those people who are working on e-commerce, right? Selling on website is also a good business. But selling across Pakistan. So you will earn in dollars. If you are working in Pakistan, so you may not have that. You may not have that response. So now we are going to sail across Pakistan as well. Especially in Arab countries, we are going to sell our course in dollars. $10 monthly, $10. Socho main apni fees dollars mein kar do, because we have to pay in dollars. What is the current? What is today's rate of dollar? Do you have knowledge? I think so, sir. 222 to 230. I think so. I think that 230. Dollar 223 today's rate. If we charge $10, oh my God, only 2,000 rupees around. Yes, so I'm good. $10 rupees, $10 Pakistani course, $10. You have to pay $10, whatever the amount is. 2023. So we are going to convert our fee into dollars. And we will sell it on websites as well as $10 monthly. Monthly subscription, $10. If dollar goes down, our fees will go down. If dollar goes up, we will go up. Right? अच्छा जी, अब आ जाइए इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको कुछ वक्त के बाद समझ आएगी. अभी आपने प्रेजेंट परफेक्ट नहीं पढ़ा, आने वाले वक्तों में पढ़ने जा रहे हैं आप लोग. लेकिन देखिए यहाँ पर आ गया, मैं गाड़ी चलाने की आदी हो गई हूँ. आई हैव गॉट यूज्ड टू ड्राइविंग. आप लोग किसी चीज के आदी हो गए. मैं ऊंचा बोलने का आदी हो गया हूँ. सर हसीब हैज गॉट यूज्ड टू टीचिंग ऑनलाइन. सर हसीब ऑनलाइन पढ़ाने के आदी हो गए. Kiran has got used to cooking. Kiran खाना बनाने की आदी हो गई है. I am used to teaching online. मैं ये भी कह सकता हूँ, मैं I have been used to. I have been used to teaching since 2004. मैं अंग्रेजी पढ़ाने का आदी हूँ 2004 से. I have been used to teaching English since 2004. अभी ये वाले टेंसेस आपने नहीं पढ़े तो शायद ये भी आपको इतना क्लियर ना हो रहा हो कि क्या कहना चाह रहे भाई साहब. तो ये आप दोबारा सुन लीजिएगा जब आप प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ ले, सारे टेंसेस पढ़ ले, फिर दोबारा आके इन सेंटेंसेस को पढ़िएगा तो आपको समझ आएंगे. आई यूज्ड टू बी यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश. क्या मतलब सर? आई यूज्ड टू हुआ करता था, मैं अंग्रेजी बोलने का आदी हुआ करता था. I used to be used to speaking English. Confusing sentence है. मैंने used to भी लगा दिया, be used to भी लगा दिया. ये दोनों एक ही जुमले में इस्तेमाल कर लिए. ठीक है, चलिए. Sir, I have a question. Excuse me, sir. पूछिए बेटा. जी, सर आपने कहा कि I have got used to driving. तो सर ये भी कह सकते हैं कि I am getting used to driving. हाँ कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते. तो सर इसका क्या मतलब होगा कि आई हैव गॉट यूज्ड टू ड्राइविंग. सर इसका उर्दू में मतलब एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? आई हैव गॉट यूज्ड टू ड्राइविंग. आई हैव गॉट यूज्ड टू ड्राइविंग. गॉट आपने क्यों लगाया? गेट को गॉट कर दिया. आई हैव गॉट यूज्ड टू ड्राइविंग. मैं गाड़ी चलाने का आदी हो गया हूँ. ठीक है. तो सर आई एम गेटिंग यूज्ड टू ड्राइविंग. मैं गाड़ी चलाने का आदी होता जा रहा हूँ. सही, होता जा रहा. थैंक यू सर. ठीक है, यू आर वेलकम. अच्छा, एक स्ट्रक्चर और है जो मुझे डिस्कस करना था, बहुत आसान से मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि वो भी लेक्चर के हिस्से में आ जाए। हेड टू, एक हेड टू है और इसके साथ जो वाला स्ट्रक्चर है वो बड़ा खूबसूरत है। हेड टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बामुकाबला, वॉज, वर, टू प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हैड टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बात करता है पास्ट ऑब्लिगेशन की। क्या चाहिए अभी देखो, पास्ट ऑब्लिगेशन। हैड टू बात करता है पास्ट ऑब्लिगेशन। Past obligation which you had, which you fulfilled, which you had and you fulfilled। क्या मतलब? माजी की कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आप पर थी और आपने उसको पूरा किया। बेटा कल आप नहीं आई, कल आपने क्लास नहीं ली। बेटा सौरभ जी वो मुझे जाना था ना, I had to go to, I had to go to, you know, I had to go to university, I had to go to university, I had to go to university। गई आप university? बेटा why were you absent yesterday? Why were you absent yesterday? आप कल absent क्यों थी? आपने क्या कहा? सर जी वो यूनिवर्सिटी जाना था, बहुत जरूरी काम था, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई सर आई कुडंट टेक क्लास यस्टरडे, इट्स ओके। समझ आ रही है? माजी की एक ऐसी जिम्मेदारी जो आपको निभानी थी और आपने उसको निभा दिया, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगी? हैड टू। सर हसीब हैड टू take class, that's why he stayed there। सर सी को क्लास लेनी थी इसलिए वो वहीं पर रुके। क्या उन्होंने क्लास ली? जिम्मेदारी थी। हैड टू यही कहता है कि माजी की कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आप पर थी और आपने उसको निभाया। अबे यार मुझे गैस का बिल जमा कराना था, भूल गया। मुझे गैस का बिल जमा कराना था। जमा कराया? क्या जमा कराया है बेटा? ओ माय गॉड, आई वाज टू हैव deposited or paid bill। I was to have paid bill। बिल पे किया क्या? माजी की कोई ऐसी जिम्मेदारी। मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? Yes sir। चलो, past obligation which you had but you did not fulfill them। माजी की कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपके ऊपर थी लेकिन आपने उसको नहीं निभाया। You did not fulfill it। हमें वहां पर रुकना था। वी वर टू हैव स्टेड देयर बट इट वाज टू लेट। हमें वहां पर रुकना था लेकिन बहुत देर हो गई थी। रुके क्या? बताइए, रोके कि नहीं रुके? तो वैसा है, चले लेट्स कॉल इट अ डे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपके नोट्स में अवेलेबल नहीं है। जो मैंने लिखा है had to plus base form of verb, was were to have plus third form of verb। एक बात और बता दूं, सो रहे आप लोग, तो सोते रहिएगा। was were का नेगेटिव भी बनता है और क्वेश्चन भी बनता है। सिर्फ नेगेटिव और क्वेश्चन नॉट पॉसिबल, सिर्फ अफर्मेटिव में इस्तेमाल होगा। बाकी अगर आप हैड टू का क्वेश्चन नेगेटिव बनाएंगी तो वो वैसे ही बनेगा, डिड नॉट हैव टू, और नॉट डिड नॉट डिड से बना लें। डिड यू हैव टू गो, क्या तुम्हें जाना था? आई डिडंट हैव टू, आई डिडंट हैव टू, आई डिडंट हैव टू, आई डिडंट हैव टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात नहीं करनी थी। डिड यू हैव टू टेक क्लास, क्या तुम्हें क्लास लेनी थी? डिड यू हैव टू टेक क्लास। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले ले, अपने पास अलग से नोट कर लीजिएगा। हैड टू और वाज वर टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इट्स टाइम टू लव यू एंड लीव यू। अस्सलाम वालेकुम।